सेशन के माध्यम से हम सब आज एक संग जुड़ पा रहे हैं। मैं हमारे साथ में आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, हमारे विभाग के महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय करण आर्यन जी, निदेशक हमारे शिक्षा श्री सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी, मेरे साथ में कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी समस्त अधिकारीगण और हमारे साथ में जुड़े हुए सभी हमारे शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी शिक्षकों का मैं अपने हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सब लोग, हमारा एक नया सत्र फिर से प्रारंभ हो गया है और ग्रीष्मकालिक अवकाश के बाद में 16 जून से, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय फिर से खुल गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सभी तरह के जितने भी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से फिर से संचालित की गई हैं, स्कूल खुले हैं। तो हमारे जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हम शिक्षकों का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि स्कूल खुल जाने के बाद में जो भी सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं बच्चों तक पहुंचे, स्कूल में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो, स्वच्छता पे हम सब लोगों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय तक स्कूल्स हमारे बंद रहे और काफी समय के बाद जब स्कूल्स खुले हैं तो सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चलें, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस तरह इन चीजों को हमको सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। सभी शिक्षकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि हमारे शिक्षक अपने पूरे उत्साह के साथ और पूरे जोश के साथ हमारे स्कूल्स खुले हैं, सभी लोगों ने वापस हमारे स्कूल्स में आकर के अपने कार्यों को प्रारंभ किया है और बच्चे भी पूरी रुचि के साथ हमारे जो स्कूल्स हैं पठन पाठन के कार्य के साथ जुड़े, बच्चों की स्ट्रेंथ पूरी हो, इस पे हम सब लोग पूरा ध्यान दें। मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चे स्कूल में जब आते हैं तो वे कुछ ना कुछ पॉजिटिव हर दिन सीख करके जाएं, बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम सब लोग स्कूल में किस तरीके से बना सकें, यह हमारा सबसे बड़ा दायित्व बनता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में शिक्षा तभी ग्रहण करेगा जब उसको लगेगा कि स्कूल में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। बच्चा जब तक अपने शिक्षक को अपने रोल मॉडल के रूप में नहीं देखेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा किसी भी शिक्षक द्वारा दी गई जो भी बातें बताई जाती हैं, जो भी उनको पाठ्य पुस्तकों से संबंधित, उनके विभिन्न तरह के कार्यक्रमों से संबंधित जो भी शिक्षक अपने बच्चों को समझाने के प्रयास करते हैं, जब तक वह शिक्षक उस बच्चे का रोल मॉडल के रूप में नहीं बनेगा तब तक मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि वह जो बच्चा है उसके द्वारा दी गई शिक्षा को उस तरह से ग्रहण नहीं करेगा जिस तरह से उसे ग्रहण करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे तो शिक्षकों को बच्चों के जो स्कूल है, स्कूल को बच्चों का दूसरा घर कहा जाता है और शिक्षक बच्चों के दूसरे अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं। तो हम सब लोग, जब इतना बड़ा दायित्व है हमारे ऊपर तो हमारे दायित्वों को हम सब किस तरीके से उसका निर्वहन करें, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उसके प्रति पूरी अपनी अलर्टनेस हम लोगों को बरतनी चाहिए और बच्चों के प्रति कोई भी छोटी से छोटी हम सब लोग कमी को देखते हुए उसको पूरा करने का, क्योंकि सरकार का प्रयास है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए और सरकार हर एक सुविधा हर एक बच्चे तक पहुंचाने के लिए, पूरी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। तो हम सब, क्योंकि शिक्षक, मैं समझता हूं कि कोई भी योजना अगर सरकार की आती है तो शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है या फिर शिक्षक का सबसे बड़ा रोल है उस योजना को हर एक बच्चे तक पहुंचाने के लिए। शिक्षक हमारे विभाग में किसी भी योजना को मजबूती से लागू करने के लिए सबसे अहम कड़ी है। तो हम सब शिक्षकों का पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम सब सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, हर एक योजना
को हम सब लोग समझें, इस योजना को किस तरीके से लागू करना है और इस योजना से किस किस तरह से हम बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं, हम सब इस योजना को पूरा 100% हमारी कोई भी योजना चलाई जाए, हर एक बच्चे तक पहुंचे, सफल हो, इस पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। हम सब स्कूल चलो अभियान के माध्यम से, पहले भी इस अभियान के माध्यम से हमने एक बहुत अच्छा कार्य किया और एक बड़ी संख्या में हम सब लोगों ने बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए थे, हमने ऐसे बच्चों को आज अपने स्कूलों में लेकर के आने का कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है, हम सब हर एक बच्चे को, जो उसका सबसे बड़ा अधिकार है कि बेहतर शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंचे, तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि कोई भी बच्चा हमारे आसपास के इलाकों में शिक्षा से बिना अनछुआ ना रहे। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से लगभग हम सब लोगों ने एक बहुत ही बड़ा वृहद कार्यक्रम चलाया और लगभग मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या है उसको हम सब लोग 1,88,00,000 तक लेकर के जा चुके, लेकिन अभी भी जो हमने अपना लक्ष्य लिया है कि 2,00,00,000 तक हमें अपना इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो अभी भी इसमें एक गैप बाकी। इसके लिए हम सब लोग 1 जुलाई से फिर से स्कूल चलो अभियान को हम सब लोग प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि हम सब स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम में एक बार फिर से जुड़े और एक बार फिर से, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर हम सब अपने 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 आसपास के इलाकों की जिम्मेदारी लें तो कोई भी गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां तक हमारे शिक्षक कोई ना कोई हमारे विद्यालय से बच्चों के पास तक, उनके अभिभावकों तक न पहुंचे। इसको सुनिश्चित कर लिया जाए पूरी तरह से कि हमारे आसपास के इलाके में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो शिक्षा की व्यवस्था से ना जुड़ा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की साफ मंशा है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था से ना जुड़े, इसलिए मैं इसको कई बार आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि हम सब अपने आसपास के इलाकों में 1 जुलाई से जब ये फिर से स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें तो एक एक घर जाकर के हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना जो संवाद है अभिभावकों के साथ बनाने का कार्य करें। हम सब लोगों ने पिछले वर्ष जिस तरीके से एक नई तरह की व्यवस्था प्रारंभ की, DBT के माध्यम से हम सब लोगों ने जो 1,100 रुपए की धनराशि है बच्चों के खाते तक पहुंचाने का हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से उन मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस मिले, हम सब लोगों ने एक योजना बना करके सभी बच्चों के खाते तक 1,100 रुपए की धनराशि को पहुंचाने का हम सब लोगों ने एक योजना बनाई और काफी हद तक इस योजना को हम सब लोग पूरी तरह से सफल बना पाए, क्योंकि इस योजना को सफल बनाने के लिए आप सब लोगों का योगदान भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक हम अपने जो आधार से बच्चों का वेरिफिकेशन होना है, आधार सीडिंग को जब तक हम सब लोग पूरा नहीं कर लेते, तब तक इस योजना को भी हम सब जो बच्चों के लाभ के लिए है उसको हर एक बच्चे तक पहुंचाने में हम सब लोग समर्थ नहीं होंगे। इसीलिए मेरा आज सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि हम सब जितने भी हमारे छात्रों का वेरिफिकेशन होना है, इसके लिए एक हम सब लोग डेडलाइन बनाते हुए, जो भी हमारे एनरोल्ड छात्र हैं अभी तक 20 दिन में, आने वाले 20 दिन में हम सब लोग सभी छात्रों का वेरिफिकेशन पूरा कर लें, जिससे कि हम सब लोग DBT के माध्यम से जो धनराशि बच्चों तक पहुंचाई जानी है, बच्चों के अभिभावकों के खातों तक पहुंचाई जानी है, उस प्रक्रिया को हम सब लोग बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी उसमें हिंड्रेंस के हम सब लोग पूरा कर पाए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन एक बार पूरा हो जाएगा तो सारा DBT के माध्यम से धनराशि भी बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ साथ हमको यह भी सुनिश्चित करना है कि जो धनराशि बच्चों तक पहुंचाई जा रही है, इस धनराशि का अभिभावकों के द्वारा ठीक प्रयोग किया जाए। जिसके लिए ये धनराशि दी गई है, बच्चों को जूते, मोजे, स्वेटर, बैग्स, ये सारी सुविधाएं इस 1,100 रुपए की धनराशि में जो बच्चों को मुहैया कराई जानी है, वे हर एक अभिभावक बच्चों को मुहैया कराए। ये हम सब शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि आप ही लोग इस चीज को ग्राउंड स्तर पे, आप सब लोग हर एक बच्चे से टच में रहते हैं, हर एक बच्चे के अभिभावकों से आप सब लोग टच में रहते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि हर एक अभिभावक इस जो सरकार की योजना है DBT के माध्यम से जो धनराशि दी गई है, इसका प्रयोग करते हुए बच्चों के लाभ के लिए जो जो चीजें सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जानी है, वो सारी चीजों को हमारे शिक्षक इसको सुनिश्चित करें कि वहां तक पहुंचाई जाए।
इसी के साथ साथ हम सब लोग मध्यान्ह भोजन के माध्यम से भी, मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक आहार हम सब लोग उपलब्ध कराते हैं, और बच्चों की जो पौष्टिक आहार है उसका एक फिक्स्ड मेन्यू है। हम सब लोग शिक्षक पहले से अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है कि सब कई स्कूल्स में जाकर के मैंने भी स्वयं देखा कि इस मिड डे मील के माध्यम से जो बच्चों को भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता अच्छी है। लेकिन इसको एक, क्योंकि हमने अगर एक दिन देख लिया और आगे आने वाले समय में नहीं देखा, या फिर क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें प्रतिदिन इसकी देखरेख करनी, तो हम सब लोग इसमें अपनी अलर्टनेस को पूरी तरह से बनाए रहें कि बच्चों को जो फिक्स्ड मेन्यू है उसके अनुसार जो पौष्टिक आहार बच्चों को मिलने चाहिए उसकी गुणवत्ता पूरी बनी रहे। क्योंकि बच्चों को अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो बच्चों का जो मानसिक विकास है, उनका शारीरिक विकास है, जब तक इन सारी चीजों पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो जो हमारा मेन दायित्व है कि बच्चा शिक्षित हो और अपने अपने क्षेत्रों में बच्चे, जिन जिन क्षेत्रों में बच्चों की रुचि है वो बच्चे आगे बढ़े, शायद उसमें हम सब लोग सफल ना हो। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों के जो भी पौष्टिक आहार है उनको गुणवत्ता पर पौष्टिक आहार मिले, सारी चीजें सुविधाएं बच्चों को जो हमारी सरकार के द्वारा दी जानी है वो सारी चीजें मिले। मेरा शिक्षकों से यह भी अनुरोध है कि हम सब, क्योंकि हमारे पास में अगर हम छात्रों की संख्या को लेकर के आए तो शायद प्रदेश में शायद ही कोई इतना बड़ा राज्य हो जिसके पास इतने बड़े छात्रों की संख्या, हम सब छात्रों की संख्या हमारे पास अधिक है तो हमारे पास में अवसर भी ज्यादा है। हम सब लोगों को एक एक छात्र, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक छात्र में कोई ना कोई हुनर होता है, हर एक छात्र किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर करना चाहता है, हमें केवल उसके हुनर को पहचानने की आवश्यकता है। हम सब उसके हुनर को पहचाने, बच्चों को केवल और केवल शिक्षा से ही ना जोड़ के रखें, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से भी हम सब बच्चों को एंगेज रखें। जिन बच्चों की खेल कूद में रुचि है हम सब लोग ऐसे बच्चों को देखें जो अलग अलग क्षेत्रों में खेल के, अलग अलग खेलों के क्षेत्र में जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, हम उनकी प्रतिभाओं को हम सब लोग पहचानने का कार्य करें। शिक्षक, क्योंकि शिक्षक हर एक छात्र से, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर एक छात्र से एक अभिभावक का जिस तरीके से रिलेशन होता है, उस तरह से एक शिक्षक का अपने स्कूल में आने वाले बच्चों के साथ रिलेशन होता है, तो वह शिक्षक बच्चों के प्रति संवेदनशील हो और बच्चों की हर एक उसकी इच्छाएं क्या है उसके अनुसार हम सब उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारी इस तरह की मंशा होनी चाहिए। हम सब पूरी तरह से विभाग को मिल करके और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, हमारा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर चीजें बच्चों के लिए कराई जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। हम सब का प्रयास रहता है कि बच्चे बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो। लेकिन पिछले दिनों में हम सब लोगों ने देखा कि कोविड काल में किस तरीके से हम सब लोगों के स्कूल भी बंद रहे, शिक्षा बच्चों की बहुत ज्यादा सफर हुई है। 2 वर्ष तक लगभग किसी भी तरह का कोई पठन पाठन का कार्य स्कूल्स में जाकर के नहीं हुआ, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से क्लासेस को चलाया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि बच्चे की शिक्षा इस पिछले 2 वर्षों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हुई, सफर हुई। इसको लेकर के हम सब लोगों को विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे प्राथमिक कक्षाओं में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लक्ष्यों को भी हम सब लोगों को प्राप्त करने और कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त कराने के उद्देश्य हेतु निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम सब लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। इस दिशा में विद्यालयों में कक्षा का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए विभाग द्वारा TLM के अंतर्गत वर्कबुक्स, प्रिंटेड सामग्री, विभिन्न मॉड्यूल्स, गणित किट, लाइब्रेरी बुक्स एवं समय सारिणी आदि शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि हम सब मिल करके विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जो भी हमारे कैलेंडर के अनुसार साप्ताहिक समय सारणी का अनुपालन करें, इसको सुनिश्चित कराएं और बच्चों को हम सब समयबद्ध रूप से निर्धारित निपुण दक्षताओं को प्राप्त करने में हम सब लोग अपना सहयोग दे सके। निपुण भारत के लक्ष्य की प्रति हेतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र में हमारी सरकार के द्वारा
विभिन्न तरह की सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी की लाइब्रेरी बुक्स हैं, उपचारात्मक शिक्षा हेतु टीचर्स गाइड है, मैथ्स की किट है, साइंस किट है, शिक्षकों के लिए टैबलेट है, और साथ साथ हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 18,000 से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हम सब लोग स्मार्ट क्लासेस को भी इस वर्ष प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब, क्योंकि हमारा आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, और हम सब किस तरीके से देख रहे हैं कि आज रोजमर्रा के जीवन में किस तरह से टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम सब लोग चीजों को, जो काफी लंबे समय लगने वाली, जिन चीजों को करने में काफी लंबा समय लगता था, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ ही कम समय में इन सारी चीजों को पूरा कर लेते हैं। तो हम सब लोगों का ये भी प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब आपके पास आता है तो अपनी एक लर्निंग फेज में होता है, स्टार्टिंग एज में होता है। हम सब स्कूल्स में भी बच्चों को टैबलेट मुहैया करा, हर एक स्कूल्स में दो दो टैबलेट हम सब लोग मुहैया कराने के लिए जा रहे हैं, इसकी व्यवस्था बहुत जल्द बना दी जाएगी। तो मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि हम सब सारे स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से भी और इन सारी चीजों के टैबलेट्स के माध्यम से भी जो सरकार के द्वारा सुविधा मुहैया कराई जा रही है, हम सब बच्चों को टेक्नोलॉजी के प्रति फ्रेंडली बनाएं, बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ें, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, और अगर बच्चा टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम सब, हमारे सारे जितने भी युवा पीढ़ी आगे आने वाली है, उसको कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वैसे कि आज मैं देखता हूँ कि हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र हैं, स्वयं से टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि लेते हैं और अपने आप को इन सारी चीजों में जागरूक रखते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि हर एक परिवार में बच्चों के पास घर में स्मार्टफोन हो या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित हर एक सुविधाएं हो। इसीलिए हम सब लोगों ने स्कूल्स में भी स्मार्ट क्लासेस की सुविधा दी और बच्चों के लिए स्कूल्स में भी हम सब लोग टैबलेट भेजने का हम सब लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। हम सब शिक्षकों से अनुरोध है कि हम सब इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को एंगेज रखें और बच्चों के प्रति हम सब लोग हमेशा से जिस तरीके से हमारा विभाग कार्य करता रहा है, हमारे शिक्षक बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं और आगे भी हम सब इसी तरह से कार्य करें। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब मिल करके इस विभाग के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है। अगर हम अपने विभाग की बात करें तो हमारा विभाग जहाँ बच्चों का भविष्य है, उसके बनाने के साथ साथ अपने प्रदेश का भी भविष्य हमारे विभाग के हाथों में। हमारे बच्चे आने वाले कल में प्रदेश में विभिन्न तरह के अलग अलग स्थल पे पहुंचेंगे, कोई सरकारी नौकरियों में जाएंगे, कोई अपने अपने उद्योगों को लगाएंगे, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से देश में, विदेश में, अन्य प्रदेशों में भी जाकर के हमारे आपके साथ पढ़ने वाले छात्र कल को आपका ही नाम रोशन करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए हम सब मिल करके इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सब लोगों ने एक संवाद किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज अलग अलग विशेषज्ञ भी आप सब लोगों से बातें करेंगे और अपने अपने टॉपिक्स पे आप सब लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग समय समय पे जुड़ते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब एक दूसरे के सुझावों से, अपने आप सभी लोग शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप सभी के सुझाव हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सब लोगों के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए गए हैं, आप सब लोग हमको उनसे अवगत कराएं, उनकी पिक्चर्स को शेयर करें, अपने आइडियाज को शेयर करें। मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए आइडियाज, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर रह करके क्या कमियां हैं, क्या चीज और बेहतर की जा सकती है, आपको शायद ज्यादा बेहतर उसका आइडिया होगा। हम सब लोग आपके सुझावों से मिलकर एक अच्छा प्रयास हम सब लोगों का रहे कि अपने विभाग को और बेहतर बना सकें। आज के इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से हम सब लोग जुड़े, आप सब लोगों के प्रति मैं अपने हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।